व्हाट्सएप यारो, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल YJ ब्लॉग्स। तो आज हम जा रहे हैं अल्मोड़ा। वैसे तो हम बहुत सी जगह जा रहे हैं, पर ये आगे सरप्राइज है, अभी फिलहाल हम अल्मोड़ा जा रहे हैं। जैसा कि हमने पहले बता रखा है आपको अपनी वीडियो में कि जो मेन रास्ता था अल्मोड़ा जाने के लिए भीमताल से, जो कि बहुत शॉर्ट था, तो पुल बिल्कुल क्षतिग्रस्त हो ही गया है। तो इस वजह से आप सारी गाड़ियां जा रही हैं बाई गेठिया। तो फिलहाल हम हैं गेठिया में और यहां पे देखो कैसा जाम लगा हुआ है। ये देखो जाम लगा है, बिल्कुल जाम। और मौसम बहुत औसम हो रहा है। आगे आपको और अच्छे अच्छे व्यू देखने को मिलेंगे, तो चैनल में बने रहिए और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए चैनल को। और बारिश हो रही है बड़ी खतरनाक वाली। हाँ, और आगे अगले हफ्ते तक पूरी बारिश ही बताई है वेदर में। तो देखिए फ्रेंड्स, ये है वो पुल जिसकी वजह से हमें जाम में फंसना पड़ा था। तो यहाँ पर भी दूसरा पुल बन रहा है, हर जगह दो दो पुल बना देते हैं पर ढंग का एक भी नहीं होता है। पिछली बार जो ये वाला पुल है, इसमें भी गैस की एक गाड़ी फट गई थी, तो ये भी क्षतिग्रस्त हुआ था, ये रास्ता भी बंद हुआ था। तो ये दूसरा पुल फिलहाल तो बन चुका है। वो देखो बगल में दूसरा पुल है, ये दूसरा पुल है। कैसी आवाज़ें आ रही है ना, मुझे तो डर लगता है इसमें चलने में। ये देखो आगे टूटा हुआ कितना खतरनाक हो रहा है। माय गॉड, रोड बहुत खतरनाक हो रखी है और बारिश हो रखी है, तो इतना भैया मलवा हलवा आ जा रहा है रोडों में, तो काफी डेंजरस है। एक गाड़ी टाइम एक टाइम पे एक ही गाड़ी जा रही है। देखो कितना नीचे आ गया ना ये, और यहाँ से देखो कितना जाम लगा है। इसीलिए लगा है कि एक गाड़ी जाएगी तभी दूसरी आएगी उधर से, तो पहले इधर वालों को वेट करना पड़ रहा है, फिर उधर वालों को। और रास्ता एक ही है। हाँ। आप अल्मोड़ा, भीमताल, भवाली, जहाँ भी जाना है आपको इसी रोड से जाना है। ये देखो कितना प्यारा मौसम है, घर बैठे हमारे साथ एंजॉय कीजिए इस प्यारे से मौसम को। आप लोग हमारी आंखों से ही देख लीजिए सब कुछ। इसीलिए तो हमने ब्लॉगिंग चैनल शुरू किया है कि हमारे साथ साथ लोग भी देख सकें। वो देखो पेड़ों कैसे ढके हुए हैं बिल्कुल कोहरे से। अभी जब हमने केदारनाथ वाली सीरीज बनाई थी, तो केदारनाथ में जब भी जितने भी लोगों का सबका कमेंट्स आया था, यही आया था कि हमें ऐसा लग रहा है कि हम भी आप लोग के साथ केदारनाथ घूम रहे हैं, क्योंकि एक एक चीज़ बिल्कुल देख हमने शूट की थी उसमें बहुत अच्छा। तो हमारा जो मोटिव है यही है कि आप सब लोगों को भी हम सारी चीज़ों को दिखाएं अपनी अपनी नज़रों से, तो यही हमारा मोटिव है। तो हमारे को सपोर्ट कीजिए सब लोग, ताकि हम आगे भी अच्छे से अच्छे ब्लॉग बनाते रहें, वीडियोज़ बनाते रहें। तो सपोर्ट करने के लिए सबसे पहले सब्सक्राइब कर दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, जो फिर लाइक और बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि आपको जो नई नई वीडियोस आए उसके नोटिफिकेशन भी मिलते रहे। तो ये मंदिर आ गया देखिए, जय हनुमान जी, जय बजरंग बली, हमारी यात्रा सफल करे, सब अच्छे से हो जाए, हम वापस आ जाए अच्छे से। ये देखिए वो है मंदिर गेठिया का, पायलट बाबा का मंदिर। हाँ, आश्रम है वो। देखो भारत माता की मूर्ति, ये बहुत सुंदर बना हुआ है अभी। तो आज हम अल्मोड़ा इस रास्ते से आ रहे हैं, सुबह से ही मंदिर को देखने का सौभाग्य हमें मिल गया, नहीं तो हम भीमताल से होते हुए आते तो ये मंदिर नहीं पड़ता। हम पहुंच चुके हैं भवाली पे, तो 10-12 किलोमीटर हमें एक्स्ट्रा पड़ा, बट कोई बात नहीं, इतने अच्छे मौसम में हमें 10-12 किलोमीटर पता ही नहीं चले। पुल की वजह से हमें लंबा आना पड़ा, वरना हम भीमताल से भवाली आते, अब हमें गेठिया से भवाली आना पड़ा। ये यहाँ पर देखो पुलिस यहाँ से आते हैं, ये भीमताल है, हम अब जहाँ हम यहीं से रहे, यहाँ से रास्ता सेम हो चुका है, बस वहीं से था डिफरेंस। तो भवाली यहाँ से पड़ेगा फिर खैरना, फिर छड़ा, फिर उसके बाद सुहैलबाड़ी, फिर उसके बाद आएगा काकड़ी घाट, और फिर आएगा अल्मोड़ा। मुझे तो पूरा अल्मोड़ा का रास्ता याद हो गया है। अभी आएगा कैची धाम, नीम करौली मार्ग, उस पर तो हमारी बहुत सारी वीडियो बनी है, आप देख सकते हैं, और आगे भी बहुत अच्छी बनती रहेंगी। हमने कैची धाम जो वीडियो बनाई है उसमें नीम करौली महाराज की मूर्ति भी दिखाई है। हाँ, उनकी मूर्ति भी दिखाई है। तो आप जरूर देखिएगा, आप दर्शन कीजिए हमारे साथ, बस यहाँ से 6-7 किलोमीटर रह जाएगा कैची धाम। तो देखिए फ्रेंड्स, हम पहुँच चुके हैं कैची धाम, नीम करौली महाराज के मंदिर, ये देख सकते हैं आप मेरे साथ मंदिर। जय हो बाबा नीम करौली महाराज की, जय। आप लोग भी मेरे साथ दर्शन कर लीजिए, मन्नत मांग लीजिए। ये देखिए मूर्ति दिख रही है वहाँ से, जय हो दुर्गी माता। काफी भीड़ है यहाँ पर भी। अरे अब तो रेस्टोरेंट सब खुल गए ना, बहुत टेस्टी खाना मिलता है यहाँ पर। तो मौसम का तो यही हाल है, आजकल दिखाने के लिए है नहीं, क्योंकि हम उतर सकते नहीं ऐसी बारिश में। तो सब ये दिखा रहे हैं, वैसे तो हम छाता लाए हैं। अभी अल्मोड़ा पहुंच के आपको अल्मोड़ा का भी दिखाऊंगी मैं अच्छे से। जय हो भगवान जी, हर तरफ पानी ही पानी है, बस नदी बह रही है रोड पे, रोडों में नदी बन गई है।
और जो नदी है ना वो इतनी खतरनाक आ रही है, आवाज यहाँ तक आ रही है मतलब उसकी। तो अभी हम रुके हैं खैरना में और थोड़ा भूख लग गई थी, ऐसा अगर रानीखेत अल्मोड़ा जाते हैं यहीं पर रुकते हैं हम। तो तिम्मू ने मंगा रखा है कड़ी चावल, इससे मंगा रखा है कड़ी चावल, मैंने मंगा रखा है राजमा चावल। तो खाते हैं फिर आएगी एनर्जी, फिर आगे होगी ब्लॉगिंग, फिर निकलेंगे आगे। तो ये आ चुके हैं हमारे कड़ी चावल और राजमा चावल। मिसेस तिम्मू ने तो शुरू भी कर दिया था खाना, मैंने कहा यार चलो फिर खाते हैं खाना, मिलते हैं रास्ते में। तो देखिए फ्रेंड्स, ये है वो रेस्टोरेंट जहाँ पर अभी हमने नाश्ता वास्ता करा, काफ़ी पुराना है ये, बहुत अच्छा है। और मैं यहाँ से हमेशा बेकरी के जो केकर्स आते हैं ज़रूर ख़रीदती हूँ, तो आप यहाँ रुककर खा सकते हैं। ये महाराज जी आ गए हैं नाश्ता ख़त्म होने के बाद, तो चलते हैं फिर। अब हमने केकर्स भी ले लिया है, खाना भी खा लिया है। बारिश बहुत तेज़ है, देख सकते हैं आप मेरे साथ, यो भागो भागो। तो फ्रेंड्स, हम लोग अभी खैरना को पार कर चुके हैं। तो यहाँ पर से जो दो रास्ते कटते हैं, एक रानीखेत को जाता है, एक अल्मोड़ा को। ये देखिए, एक रास्ता जाता है रानीखेत 31 किलोमीटर इधर जो पुल है ये, और ये वाला रास्ता जाता है अल्मोड़ा। तो हम जा रहे हैं अल्मोड़ा, यहाँ से पिथौरागढ़ 148 किलोमीटर है। तो आज इस बार आपको बहुत मस्त मस्त ब्लॉग मिलने वाले हैं भाई लोगों, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और बारिश एक बार भी नहीं रुकी है सुबह से, सुबह से बारिश हो रही है यार। और ये वो खतरनाक वाला रास्ता आ गया है, देख लीजिए खैरना का, ये तोड़ा फोड़ा था इन लोगों ने, तो ऐसे पत्थर वत्थर गिरते रहते हैं यहाँ पर, तो बहुत केयरफुली चलाना मेरा जी, आराम आराम से। ये देखो पूरी नदी बनी, नदी बनाया है यहाँ तो, पूरी नदी नाला बन रखा है यार ये। देख सकते हैं मेरे साथ काफी ऑफ रोड हो चुके हैं यहाँ पर, लग ही नहीं रहा है कि ये मेन अल्मोड़ा का रास्ता है ना। पहाड़ों में ऐसी रोड होती है भैया। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर अल्मोड़ा के रास्ते में काम चल रहा है सुहेलवाड़ी के बाद, तो काफी देखो काट दिया है इसको पहाड़ों को, देख सकते हैं आप रोड को चौड़ी करने के लिए। वो तो बारिश हो रही है वरना आज भी चलना होता, काम हो रहा होता है। हाँ, यहाँ पर चलते रहते हैं बिल्डोजर वगैरह। ये देखिए तालाब बना हुआ है रोड में, पूरा पत्थर वत्थर रोड में आ रखे ना, वो गिर रहा है, देखो गिर रहा है, गिर रहा है, अरे भागो जल्दी यहाँ से, पत्थर गिर रहे हैं यहाँ पर, अरे आगे भी गिर गए, बहुत सारे गिर रहे हैं, देखो देखो कैसे पत्थर गिर रहे हैं। मैंने फर्स्ट टाइम देखा है ऐसा, क्योंकि एक पे काम चल रहा है ना, पहले से काट रखा है, ऊपर से थोड़ा बारिश आ रही है और गीले जा रहे हैं, बहुत बड़ा पत्थर ना गिरे कोई। तो फ्रेंड्स, बस पहुंचने वाले हैं अल्मोड़ा, तो यहाँ पर देख सकते हैं हम, यहाँ पर एक चौकी है, अगर कुछ चेकिंग होनी होगी तो यहीं पर हो जाएगी। देखो हो रही है, लोधिया पे जो चौकी है वहाँ पर चेकिंग हो रही है, जो भी मतलब ई पास वगैरह आपकी जो भी रिपोर्ट वगैरह है बाहर वालों की देख रहे हैं। हमारे पीछे दिल्ली की गाड़ी थी तो उनको रोक लिया गया है, हम यहीं के लोकल गए थे, हमें नहीं रोका। तो चेकिंग वगैरह हो रही है, आप लोग ई पास वगैरह बना के आइए। वहाँ पर शूट नहीं हो पाया, कैमरा अपने आप बंद हो गया मेरा, दिखाती। अल्मोड़ा की जो फेमस मिठाई है वो है बाल मिठाई, अगर आप अल्मोड़ा से ले जाना भूल जाते हैं तो लोधिया से ले सकते हैं, तो आप यहाँ से भी ले सकते हैं, यहाँ पूरी बाल मिठाई की शॉप है। तो ये हम फाइनली पहुँच चुके हैं अल्मोड़ा, अल्मोड़ा की आकाशवाणी, मतलब आकाशवाणी दिखते समझ जाइए अल्मोड़ा आ गए आप। तो ये यहाँ की आकाशवाणी, और अब तो यहाँ पर बहुत सुविधा भी हो गई है, टुक टुक वगैरह भी चलने लग गए हैं, अभी दिखेंगे देखना आपको दौड़ते हुए यहाँ की रोडों में। जब हम यहाँ पढ़ते थे तब ना टुक टुक थे ना कुछ से, पैदल लगे रहते थे हम 10-10 किलोमीटर 8-8 किलोमीटर, अब तो बहुत सुविधा हो गई है, मॉल्स वगैरह खुल गए हैं, PVR खुल चुके हैं। ये देखो टुक टुक दिखे होंगे आपको, इलेक्ट्रिक ई रिक्शा में टुक 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 भी बोलते हैं, ई रिक्शा भी बोलते हैं, दोनों चीज़ बोलते हैं। अभी अल्मोड़ा की मार्केट नहीं आई है, खूबसूरत सा अल्मोड़ा, इतना हरा भरा लग रहा है ना। हाँ, फिर शुरू हो गई बारिश, अभी रुकी थी फिर बंद शुरू हो गई। सुन लिया शायद इंद्रदेव ने, मैंने कहा ना बारिश रुक गई, दोबारा सुबह से बारिश हो रही, सुबह से क्या 3 दिन से लगातार बारिश हो रही। अल्मोड़ा का कंजेस्टेड एरिया आने वाला है जहाँ बहुत चहल पहल रहती है। तो ये देखिए, ये है अल्मोड़ा की मेन मार्केट,
और जो पटाल बाज़ार है वो है उधर पे, मैं वहाँ से आ गया हूँ। और बहुत तेज़ बारिश हो रही है सुबह से, बारिश रुक नहीं रही है। तो गाड़ी खड़ी है यहाँ से कम 200 मीटर दूर, तो अब हम वहाँ चल रहे हैं। और ये है अल्मोड़ा की तंग गलियाँ। तो बस अब हम पहुँचने वाले हैं अपनी गाड़ी पे। और यहाँ पे देखो कितना प्यारा बनाया गया है ये भाई। बारिश ने बुरा हाल कर रखा है, सुबह से बारिश रुकी नहीं है। और सामने देखो बिल्कुल कुछ भी नहीं दिख रहा है घरों के उस तरफ, जबकि वहाँ पे खूबसूरत वादियाँ हैं। बिल्कुल कोहरा कोहरा हो गया है। बस अब ये नीचे मेन रोड आ गई है, बस पहुँचने वाले हैं वहाँ पे। और ये है अल्मोड़ा का केमू स्टेशन। केमू स्टेशन है मतलब जहाँ पे प्राइवेट गाड़ियाँ मिलती हैं जाने के लिए इधर उधर। हाँ, यहाँ से आपको बस वगैरह मिल जाएंगी, जहाँ भी जाना हो, पनवानौला जाना हो, अल्मोड़ा जाना हो। यहाँ की सबसे फेमस तो बाल मिठाई और सिंगोड़ी है। तो और सबसे फेमस दुकान है, आपको भी दिखाती हूँ मैं, खीम सिंह मोहन सिंह जी की। ये देखिए, ये सबसे पुरानी दुकान है यहाँ पर, खीम सिंह मोहन सिंह बाल मिठाई। यहाँ से आप बाल मिठाई और सिंगोड़ी वगैरह लेके जा सकते हैं। ये मौसम क्या मौसम है, ऑसम। ऐसे में हम जा रहे हैं, इतना मजा आ रहा है ना। जहाँ पे अभी हम रुके हैं यहाँ पे है अल्मोड़ा का जू, टिमो का घर। इस पे हमने पहले से एक ब्लॉग बना रखा है, आप जाके चेक कर सकते हैं। ससुराल। ओके, तो ये ब्लॉग को हम यहीं पर एंड करते हैं। तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब अवर चैनल YJ ब्लॉग्स। यू।